जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, TGTPET 27,000 नई भर्ती विज्ञापन 2022 को लेकर यहां पर अभी इस वक्त की बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है विज्ञापन को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या ये अपडेट निकल कर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेट GS की बेस्ट बुक के बारे में, जो की चच्छू प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिलेगा पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी एवं विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश। साथ ही वर्ष 2019 के साल्व पेपर का समावेश। इसके अलावा 800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये बुक UPSC द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारा कुछ इसी बुक से देखने को मिलेगा। तभी तो चच्छू प्रकाशन की बुक सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है। तो एक बेहतर तैयारी के लिए तुरंत परचेस करें। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही चच्छू की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है, जिन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि TGTPET नई भर्ती विज्ञापन के अध्याचन के लिए जो अंतिम तिथि थी वो 17 दिसंबर थी, और यहाँ पर जो है चयन बोर्ड का कहना था कि 17 दिसंबर तक जो इसका कंप्लीट अध्याचन होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके संबंध में आज एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आखिर जो इसका अध्याचन है वो अभी आया है या फिर नहीं आया है, और अगर आ गया है तो जो इसका विज्ञापन है ये कब तक जारी होगा। तो यहाँ पर साथियों जो है चयन बोर्ड की तरफ से जो है जवाब दिया गया कि अभी जो हमारा कंप्लीट अध्याचन रिक्त पदों का वो नहीं आया है, और यहां पर बताया गया है कि पोर्टल को सर्वर धीमा होने की वजह से यहां पर जो है 3 दिनों के लिए डेट जो है ये बढ़ा दी गई है। और अब यहां पर जानकारी दी जा रही है कि 20 दिसंबर 2021 इसकी अंतिम तिथि जो है ये कर दी गई है। नए विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड के सचिव का क्या कहना है वो भी आप सभी को अभी हम बताने वाले हैं। उससे पहले देख सकते हैं कि प्रतियोगी मोर्चा की टीम का पूरा प्रयास है कि नया विज्ञापन चुनावी आचार संहिता लगने से पूर्व जारी करा लिया जाए, तथा विज्ञापन वर्ष 2016 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति किसी कारणों से नहीं हो पाई है उनका समायोजन भी इसी आने वाले अध्याचन में कराया जाए। तो यहां पर साथियों देख सकते हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि चुनावी आचार संहिता लगने से जो है नए विज्ञापन निकाले जाने को लेकर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रतियोगी मोर्चा किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है, और इसीलिए यहां पर जो है नया विज्ञापन आचार संहिता लगने से पूर्व जारी किया जाना चाहिए। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि एक बार फिर से यहां पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, और अब यहां पर जो है TGTPET 27,000 नई भर्ती विज्ञापन के जो है अध्याचन के लिए लास्ट डेट बढ़ा करके 20 दिसंबर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यहां पर चयन बोर्ड के उप सचिव का कहना है कि आप यहां पर जो है बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जो विज्ञापन है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और यहां पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता से इसका कोई भी जो है ये असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका असर जरूर पड़ता है राज्य सरकार की भर्तियों में, और इसीलिए यहां पर जो है प्रतियोगी मोर्चा का लगातार प्रयास जो है ये जारी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी के द्वारा आज की डेट में जो ये पूरी जो है प्रेस विज्ञप्ति है ये जारी की गई है। साथ ही यहां पर जो है EWS आयु सीमा में छूट को लेकर के भी वार्ता की गई, और जिसको लेकर के भी यहां पर हरी झंडी तो दे दी गई है सिद्धार्थनाथ सिंह के द्वारा, लेकिन अब यहां पर उनका कहना है कि CM योगी आदित्यनाथ को इस मैटर से जल्दी रूबरू कराया जाएगा। और साथ ही यहां पर जो है और भी जो है जानकारी दी गई है, तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।